मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस और ये बीजेपी, एक चोर दूसरा, तुम बोलो, एक चोर दूसरा, एक चोर दूसरा, एक चोर दूसरा। शरद पवाराला काय म्हणणार, जुनियर चोर कि सीनियर चोर? बाकी लोकांना काय म्हणणार ते तुमच्यावर सोडतो, तुम्ही डिसाइड करा। ये 60 साल से इस देश को लूट रहे कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना। और जो है बुआ बबुआ से ये कहता हूं कि आपको सीटों के लिए तो अलायंस नजर आता है, लेकिन बहुजनों के आर्थिक और सामाजिक उन्नति का अलायंस क्यों नजर नहीं आया? हाथी और साइकिल वालों को बोलता हूं, बुआ बबुआ को कहता हूं कि आपको सीटों के लिए गठजोड़ करना आता है, लेकिन आपने जब ये मनमोहन सिंह की सरकार जब प्राइवेटाइजेशन कर रही थी तो ये हाथी वाले लोग कहां गए थे? पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोला कि अगर आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर रहे तो आज के आज प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों को आरक्षण दे दो? ये बात क्यों नहीं किया इन लोगों ने? आज तक क्यों नहीं बोला कि ओबीसी का आरक्षण 27% से 45% होना चाहिए? अरे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ना, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, संविधान सुप्रीम होता है। क्या सुप्रीम होता है? संविधान सुप्रीम होता है। और पार्लियामेंट का अपर हैंड होता है, यदि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान सम्मत अमेंडमेंट कर सकता है। ये हाथी के लोगों ने, साइकिल के लोगों ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा कि ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं 45% करो और हमारे एससी एसटी का 22.5 से आप 25% करो? इन्होंने नहीं कहा। ये देश का आदिवासी, मैं आदिवासियों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, का त्यांना सर्वात जास्त मी प्रेम करतो, कारण आदिवासी हा भारताचा मूळ निवासी आहे आणि तो पहला मनुष्य आहे ज्याने सभ्यता बनवली 50,000 वर्षापूर्वी। यह आदिवासी के जमीन में, देश में जो नैसर्गिक संपदा है 1,400,000 रुपए की संपत्ति है, इसमें की 1,000,00,000 करोड़ की संपत्ति आदिवासी के जमीन में है। कितनी की संपत्ति है? 1,000,00,000 करोड़ की। अब 5,000 साल से ज्यादा आदिवासी वहां रहता है तो मालिक कौन हुआ उसका? मालिक कौन होगा? आदिवासी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भारत के संविधान में एक सिंपल अमेंडमेंट करके जमीन के नीचे का जो मिनरल का राइट है वो आदिवासियों को मिलना चाहिए करके इस देश में कांग्रेस बीजेपी ने कोशिश नहीं किया। मैंने वो बिल दिए संसद को, मैंने वो बिल संसद को दिए और वो बिल जो है वो संसद के अंदर में जो है वही कंसिडरेशन में है, उसको भारत सरकार स्टडी कर रही है, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज जो है। तर मी तुम्हाला ही गोष्ट का सांगून राहिलेलो आहे कि भारतामध्ये राजकारण, भारतामध्ये राजकारण हे स्लोगनवर नाही, हे सायन्सवर चालायला पाहिजे। भारताचं राजकारण हे स्लोगनवर नाही, हे सायन्सवर चालायला पाहिजे। भारताचं राजकारण हे पब्लिक पॉलिसीवर चालायला पाहिजे। आणि आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ही भारताची पहिली पार्टी आहे ज्याने भारताला प्रबुद्ध भारत बनवण्यासाठी, नवीन भारत बनवण्यासाठी पॉलिसी डिक्लेअर केलेली आहे। ही ती पॉलिसी आहे जी आम्ही डिक्लेअर केलेली आहे आणि मला असं वाटते की ही पॉलिसी भारतामध्ये कोणत्या पण पार्टीजवळ नाही आहे और इसलिए ये पॉलिसीज पर हमको ध्यान देना होगा।